morning, Ivan. Good morning, Mom. Hey guys, good morning. सुबह सुबह मैं उठी हूँ. सुबह क्या 8:30 बज गए. मुझे लगा इवान लेट हो गया स्कूल के लिए. फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया. उसके बाद ओडन बोलता है कि आज इसकी छुट्टी है. मैंने पूछा क्यों है छुट्टी. उसको पता ही नहीं छुट्टी क्यों है. शायद कोई फेस्टिवल होगा. मैं चेक करूंगी ऑनलाइन. ये मैंने ना शाओमी जो बनाया था ओडन के लिए और इवान के लिए थोड़ा गाढ़ा सा बनाया था. 3 अंडे भी उबाल दिए थे कुकर में. एक अंडा छील के अभी डाल दिया ओडन के लिए. इस दलिये टाइप की चीज में मैंने ये डाला था कद्दू या कुछ तो है. ये इसकी दादी डालती थी. उन्हीं से सीखा है मैंने. What do you want to eat, Ivan? पोटैटो चिप्स इन द मॉर्निंग. आज मैंने सोचा था वीडियो एडिट करूंगी अगर इवान स्कूल जाएगा तो. लेकिन अभी वो घर पे ही है तो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ. और मेरी आंखों में अभी भी नींद है. कितना भी सो जाओ आजकल मेरी नींद पूरी नहीं होती. और बाय द वे गाइस देखो मेरे छोटे बाल ब्लंट कट जैसे अपने आप शेप में आ गए ये बाल तो. ओडन इज सो फास्ट. इतना जल्दी जल्दी करता है सब काम. अभी वो ना अपनी कार ठीक करने के लिए निकल रहा था. मैं कैमरा उठा ही रही थी अपना फोन उठा ही रही थी रिकॉर्ड करने के लिए और उतने में वो गायब. तो वो ये ओडन का वीडियो लेना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे करो तो वो वहां पहुंच जाता है. यहाँ पे लगाओ कैमरा तो वहां पहुंच जाता है. सो हार्ड. इवान के लिए देखो ये 2 अंडे छीले मैंने. अच्छे से छिले नहीं है पता नहीं क्यों आज. और ये उसका दलिया टाइप है. एक ये चाइनीज फर्मेंटेड सोयाबीन्स का सॉस है. मैं ये भी डाल देती हूँ. इसके साथ ये पूरा अंडा खा लेता है पीला पार्ट इंक्लूडेड. ये इसकी दादी ने ट्रिक बताई थी मुझे. लेट्स टेक इट टू इवान नाउ. थोड़ा अंडा ही कट कर देती हूँ. थोड़ा सा सॉस लगाती हूँ और इसको मैं दलिये के साथ देती हूँ इसको. ओडन आ गया है और पानी देने लग गया है प्लांट्स को. अभी उसका कार वाला काम हो गया खत्म. शायद हम उसके लिए भी यही डाल के देंगे. वो इसी तरह से खाता है. उसको थोड़ा पानी पसंद है इसमें. इवान का तकिया और मैट्रेस मिला है क्योंकि जब भी छुट्टी होती है ना हमको धोने के लिए देते हैं. तो आज हम ये धोएंगे. इवान ने पूरा खत्म नहीं किया है और अपना खेलने में लग गया है. तो गाइस मैं ओडन को बाय बाय कर रही थी और मैंने देखा कि एक मेरा पैकेज आया. तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ. मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है जो शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रही है. एंड शी कॉन्टेक्टेड मी लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स अगो. हर नेम इज खुशी जरीवाला. उसका मैं इंस्टा डाल दूंगी यहाँ पे. वो यूके में रहती है लेकिन शी हैज कम टू चाइना मेनी टाइम्स. सो शी वॉज लाइक शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फ्यू गिफ्ट फॉर इवान मी एंड ओडन. और मैंने कहा ओके फाइन व्हाई नॉट यू. तो शी सेंड मी समथिंग. और एक्चुअली कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे से कुछ दिन पहले ही ये गिफ्ट आ गया है. शी डिडंट इवन नो कि मेरा बर्थडे है. आई एम जस्ट एक्साइटेड टू ओपन इट नाउ. तो ये गिफ्ट है ना पूरा यूके से आया है जो कि उसने अपने फैमिली के थ्रू भिजवाया है चाइना में. तो ये है मेरा पैकेज. क्यूट. तो देखते हैं खुशी ने क्या भेजा है. ओके सबसे पहले ये है गार्डनिंग ग्लव्स. ये पक्का ओडन के लिए है क्योंकि उसको पता है कि ओडन को गार्डनिंग बहुत पसंद है. इलास्टिक कप्स. तो ये ना गर्मियों में बहुत काम आएंगे. तो अभी ना मैं ओडन को दिखा के भी आ गई. सेकेंड गिफ्ट है हमारा चिल्ड्रंस गार्डन ग्लव्स. तो खुशी चाहती है कि इवान भी स्टार्ट कर ले गार्डनिंग वगैरह. मे बी उसके स्कूल में कोई एक्टिविटीज होगी तब यूज कर लेंगे हम. वाह ये स्कूल और ऑफिस के लिए भी भेजा उसने. बुलेट टिप परमानेंट इंक. ये तो इवान को नहीं दे सकते बाबा परमानेंट इंक. ये ना मेरी किचन की लेबलिंग में काम आएगा. ये क्या है मसाला चाय. क्या बात है. देखते हैं यूके में इंडियन मसाला चाय कैसी मिलती है. पहली बार सुना है मैंने. रॉयल्टी लिमिटेड. ये क्या है. लग रहा है ये इवान के नए टॉयज है. इसको देख के तो बहुत खुश हो जाएगा इवान. इवान को छोटी कार्स बहुत पसंद है. जेन्युइन क्रिस्टल. वाओ. तो ये मैं पहन के देखूंगी आपको दिखाऊंगी कैसे लगते हैं. वैसे तो मुझे लगता है मेरे कान के छेद बंद हो गए हैं.
वन मोर टॉय फॉर इवान, क्यूट सी कार. ओ माई गॉड, ये चीज है ना, मैं मम्मी से मंगवाने वाली थी इंडिया से, बट ये चीज मेरे बहुत काम आएगी. और यार ये यूके वाले डिब्बे कुछ ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, एक्सपोर्ट वाले इतने अच्छे इंडिया और चाइना में नहीं मिलते. स्टफ्ड पराठा मसाला, ये पहली बार सुना है, ये मैं डेफिनेटली यूज करके देखूंगी. अब इवान को टॉयज दे के आते हैं. आई हैव टॉयज फॉर यू. व्हाट? It's a car! Oh wow, it's a truck! Thank you, Christmas. I made it for you. Wow, mini truck! जो इयररिंग्स खुशी ने दिए मैंने पहन लिए हैं. मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं. ओडिन को मैंने दिखाया, उसने एक नजर देखा, दूसरे बार फिर से देखा, उसने बोला बहुत अच्छे हैं तुम्हारे लिए, तुम पे अच्छे लग रहे हैं. पता है मैं इसलिए नहीं पहनती, एक तो मेरे ना बहुत इचिंग विचिंग स्टार्ट हो जाती है जब भी मैं कोई इयररिंग्स पहनती हूँ तो, और सोने के टाइम भी निकालने पड़ते हैं. प्रोडक्ट सारे यूके से है, यूके की कंपनी है, सब इंग्लिश में लिखा है, ये जैसे आयरलैंड से है बट मेड इन चाइना. यूके में सारी चीजें लगता है चाइना की ही मिलती है. तो मैंने ग्लव्स पे चेक किया ना, ये भी मेड इन चाइना है. वेल थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच फॉर दीज नाइस लवली इयररिंग्स और इवान के गिफ्ट्स एंड मसाला. ये मसाला चाय तो मैं बनाऊंगी आज, एक पैकेट तो बनाऊंगी, और ये मार्कर्स भी मेरे किचन में काम आने वाले हैं. तो ओडिन वॉज लाइक देखो मैं यूज कर रहा हूँ, दिखा दो वीडियो में. उसका ये डेली का ही काम है, वो ना हमेशा यही करता रहता है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, उसकी हॉबी है ना. तो ये ओडिन है ना, इस मेटल के वायर को ट्विस्ट करके शेप देता है बॉन्साई प्लांट्स को, यानी कुछ टाइम में फिर वो शेप में आ जाते हैं, जैसे वो उलझाता है वैसे शेप में आ जाते हैं. तो ये काफी ट्रिकी काम है. अभी ओडिन के कॉफी बनाने का टाइम हो गया है, वो एक्चुअली दिन में 3-4 बार कॉफी पी लेता है. तो बहुत सुंदर है ना ये वाला. अभी मैंने सोचा है हम चाय और कॉफी साथ में बनाएंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है तो ओडिन ने ना खूब सारी बर्फ ले ली, आइस कॉफी बनाने वाला है. अभी हम खुशी की चाय खोलते हैं. आई एम वेरी बैड एट ओपनिंग थिंग्स. ओके लेट्स ट्राई. एक 180 ml बॉइलिंग वाटर डालो, सारा डाल दीजिए. अरे वाह क्या अच्छा कलर है इसमें. टेस्ट टेस्ट, एकदम परफेक्ट इलायची का टेस्ट आया है. तो रोज मैं एक सैशे सुबह पीने वाली हूँ ये. अभी मुझे पता चला है कि आज है ना ड्रैगन बोट फेस्टिवल है. इवन मैंने ओडिन को बताया, उसको कहाँ ध्यान रहता है, वो अपने फोन में गार्डनिंग में उसी में बिजी रहता है. तो आज इसलिए इवान की छुट्टी है, और मैंने ओडिन को बोला क्या स्पेशल बनाऊं मैं, क्योंकि मैं तो सब्जी वब्जी बनाने का प्लान कर रही थी, नॉर्मल स्टर फ्राई चावल. ड्रैगन बोट फेस्टिवल में ना वो खाते हैं बैम्बू के पत्तों में लिपटा हुआ वो चावल होता है, चिपचिपा वाला चावल. मेरे फ्रिज में पड़ा है, मेरी मदर इन लॉ ने लेके दिया था, वो अभी तक पड़ा हुआ है, वो ही हम गर्म करके खाने वाले हैं. और ओडिन ने आइडिया दिया कि एक हॉटपॉट बनाएंगे, क्योंकि हॉटपॉट की कोई टक्कर नहीं, किसी भी ओकेजन के लिए बेस्ट फूड है हॉटपॉट. इवान को लेके चला गया अभी बाजार, सारी सब्जियां लेके आएगा, मशरूम वगैरह. आप लोग सोच रहे होंगे ड्रैगन बोट फेस्टिवल क्या है, तो मैंने भी अभी गूगल किया उसको. ये यानी हमारे जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले फेस्टिवल्स होते हैं. ड्रैगन बोट स्टार्ट हुआ था कोई बहुत बहुत प्राचीन काल में, यहाँ पे कोई राजा था, उसका कोई स्कॉलर मंत्री था, शायद पोएट भी था वो, पोएम वोएम लिखता था. तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में ये फेस्टिवल बनाया गया था, जिसमें लोग बोट की रेसिंग भी करते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं. अभी ना एक और मेरा पार्सल आया था, वो भी खोल लेते हैं. ये मेरा पार्सल था, तो ये मंगाया था मैंने एक ट्रॉली, क्योंकि कई बार ना मुझे हैवी सामान ढोना पड़ता है, जैसे कुछ ज्यादा सामान हो गया मार्केट का, वो बैटरी होती है स्कूटी की, उसको चार्ज करने के लिए ऊपर लाना पड़ता है मुझे अकेले. तो उसके लिए ना ये ना 100 किलो तक आपका सामान ले सकता है. इसको ऐसे लंबा भी कर सकते हैं. वैसे ये पानी की बॉटल है, ये शायद 20 लीटर्स की है,
और ऐसे मैं कैरी कर सकती हूँ आराम से, इसमें व्हील्स लगी हुई है। ये मुझे पड़ा है गाइज ओनली 200 रुपीज के आसपास। तो गाइज दोपहर के टाइम में थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। एक बज रहे हैं और मैं ओडिन का वेट ही कर रही हूँ कब से, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है ना, जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा है, ऑलमोस्ट छोड़ा है, तो मुझे बहुत नींद आती है, पूरा टाइम मुझे सुस्ती आती रहती है, मैं कितना भी सो जाऊं। मैं आज तो थोड़ा नॉनवेज खाने वाली हूँ पक्का से। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं बहुत सारा बारबेक्यू खाती हूँ ना, सिर्फ बारबेक्यू, नो रोटी चावल कुछ भी, तो मुझ में इतनी एनर्जी होती है, अगले दिन भी मुझे बहुत वो फील होता है स्ट्रांग। ये मेरी मदर इन लॉ छोड़ के गई थी, मैंने एक बार उनको बोला था कि मुझे पसंद आए, तो उन्होंने इतने सारे खरीद के दे दिए मुझे कि उनके जाने के बाद मैं खाती रहूंगी। इसमें ना मैं डाल दूंगी, बट यार ये बंद नहीं होगा, इसको डालूंगी ऐसे तो। दो काफी हैं दो लोगों के लिए, अभी बंद नहीं हो रहा, इसको पिचकाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ वीक्स पहले ये दो हाउस प्लांट्स लिए थे और इसके पत्ते पीले हुए जा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आज इनके पत्ते हटा देती हूँ पीले वाले, और उसमें थोड़ा फर्टिलाइजर आया था वो भी डाल देती हूँ। तो फ्रिज में ना एक ही सब्जी बची थी, मैंने सोचा ओडिन के आने से पहले उसको काट के हॉटपॉट के लिए तैयार करके रख देती हूँ। Yes, Ivan. Oh, Baba bought so much food. जो लोग मुझे डेली व्लॉगिंग करने बोलते हैं वो सुन लो, इवान लुक 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 करता रहता है, मुझे काम ही नहीं करने देता पूरा दिन। मुझे बार बार हार मान के काम छोड़ के इवान के साथ ही बैठना पड़ता है। It's a girl washing machine and it's a boy washing machine. Look, he's giving her a ring. Do you like this ring? Yeah. Me too. But he's talking. Yes. Oh, look, he chose carpet. Yes. He's angry now. Look, Mr. Potato. Yes. Potato is happy. He's throwing away. ये सारी सब्जियां आज के लिए, ये पालक जैसे दिखने वाली कोई और सब्जी है, ये कड़वी टाइप की सब्जी है, ये पहली बार देखा मैंने, ऑरेंज कलर का मशरूम, और यहाँ पे जो सूप है हॉटपॉट का वो बन रहा है, यहाँ पे ये टोफू है, ये फ्राइड वाला है, और ये रिबन टोफू है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मेरे बाथरूम से दिख रहा है। तो गाइज अभी मैंने और ओडिन ने मिलके टेबल अंदर वाले रूम में लगा लिए, क्योंकि एसी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, ये हॉल में एसी नहीं चला रहे हम, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है ना, बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में। तो इसे श्रिम्प काट के रख दिए, ये फिश बॉल्स है, ये भी फिश बॉल्स है, ये अंडे का कुछ तो है, ये जो बैम्बू वाले चावल है ये मैंने आपको दिखा दिया था, ये देखो उसने एक ही परात में सारी चीजें लगा दी, लोटस स्टेम, और ये कुछ मीट है हमारा, होपफुली इवान को भी कुछ खिला देंगे, मेरे ख्याल से वो ये फिश बॉल वगैरह खा जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी मशरूम्स और टोफू डाल दिया है, अब हम ये स्लाइसेस निकाल रहे हैं मीट की, वो भी डालेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू ईट दिस, क्योंकि मेरा पेट एकदम आवाजें करने लग गया। तो ये ऑलरेडी पक चुका है, मैं आपको इसके साथ चावल वाला, बैम्बू वाला वो भी दिखाना चाहती हूँ, और इसमें यम्मी सॉस भी डाल दिया है जो पीनट और सेसमी वाला होता है। अब इसको मैं ऐसे खोलूंगी, तो चावल अलग से बनाने की जगह सिर्फ ये भी खा सकते हैं हम, ये देखो गाइस। और ये वाला जो है रेड बीन और चावल है बस, नो नॉन वेज, ये थोड़ा मीठा होता है, ज्यादा नहीं, देखो एकदम ट्रायंगुलर है और बहुत स्टिकी स्टिकी भी होता है। We'll give you one. वान के लिए नूडल हम लोग धो देते हैं इसमें। इसमें मेरी फेवरेट चीज है ये मीट के स्लाइसेस, पतले पतले, जो कि इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं। ओडिन बस दिए जा रहा है, ये श्रिम्प है, ये डीवेन कर चुका है वो, देखो इसलिए यहाँ से कट लगा हुआ है। हैप्पी ड्रैगन बोट फेस्टिवल गाइस, एक नंबर। ये स्टिकी चावल भी ना, इसमें बैम्बू का इतना फ्लेवर आता है, इसको आप ना इंडियन फूड के साथ भी खा सकते हो। इवान के लिए ये हमने निकाल दिए हैं फिश बॉल्स, और ये इसको बहुत स्पाइसी लग रहा है। ये रही सब्जियां और टोफू, ये भी मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली टोफू मुझे मीट से ज्यादा पसंद है, और ये सब्जी ना पालक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, और ये मशरूम जो नए हम लेके आए थे ऑरेंज कलर के, एकदम फ्लेवरलेस है, बट किसी भी चीज के साथ खाओगे तो टेक्सचर दे देंगे आपको। I want to be like her. Is that...
बेस्ट चीज़ लगी मुझे आज की टोफू। Later that same evening. रात हो गई है, रात यानी बहुत लेट हो गया, 9:30 बज रहे हैं। सबका खाना हो गया है और मैं अभी सोच रही हूँ कि इवान की दादी एक बाउजा बनाती थी जो उसको बहुत पसंद था, तो वो ही मैं बना के सोने वाली हूँ। दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत कि मैं कैसे बनाती हूँ। इतनी ज्यादा हो गई ना अभी गर्मी। ये मैंने लोहे की कढ़ाई गर्म कर ली है, यहाँ पे मैं एक सब्जी धो रही हूँ। ये एक अनोखी सी सब्जी है, मैंने पहली बार खाई है, जो इसकी दादी कहीं से लेके आई थी और कहीं मैंने नहीं खाई। बहुत ही यूनिक टेस्ट है, हल्का सा जला हुआ सा टेस्ट है जो रेस्टोरेंट के खाने में आता है ना, वैसा टाइप का। वो भी मैं कद्दूकस करके डालने वाली हूँ। तो बस अब इसको मैं ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये पक गई है बहुत अच्छे से, इससे इसका ग्रीन कलर बेटर हो जाएगा। ये मेरा कद्दूकस हो गया ना, इसको भी मैं निचोड़ दूंगी। ये देखो इसका सारा पानी निकल गया है। तो मैंने ये ट्रिक अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, वो जो भी सब्जियां डालती है बाउजा या जाउजा यानी डम्पलिंग्स में, सारी निचोड़ निचोड़ के डालती है उबालने के बाद, तो उससे क्या ना पानी नहीं हो जाता अंदर और उसको सील करने में इजी हो जाता है। तो इसमें मैं सारी सब्जियां डाल के मिला रही हूँ, अच्छे से फोर्क या चॉपस्टिक से मिला देना होता है। और उसके बाद ये मैं तड़के के लिए काट रही हूँ, ये है लीक्स और अदरक, और इसमें थोड़े सेशुआन पेपरकॉर्न्स भी डालूंगी। इसको बस थोड़ा सा भून लेना है और इसी के तेल को मुझे डम्पलिंग का जो स्टफिंग है उसमें यूज करना है। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस। ये मैंने लिया था, ये फूड प्रोसेसर है, इसमें बहुत कुछ चॉप हो जाता है और इसमें ये दो बटन है, एक स्लो और फास्ट का। तो इसमें अगर कुछ भी आपको चॉप करना है, कीमा करना है, तो इसमें बहुत ही जल्दी हो जाता है। ग्लास का बना हुआ है, ये डिटैच हो जाता है ऐसे ही। ये देखो आप, बहुत मोटा ग्लास है, यहाँ पे ग्लास बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिलता है हमेशा से। ना खूब सारा प्याज भी कट सकता है, थोड़ा सा भी काटा तो इवनली कट जाता है, बेटर देन जो छोटा वाला आता है उससे। मैं पहली बार इसमें मीट का कीमा कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होगा। तो बस यहाँ पे कवर करना है, इसको ऊपर से अटैच करना है। गाइस लिटरली 5-6 सेकंड में ऐसा कीमा हो गया, हाथ से तो कभी नहीं हो पाता ऐसा। और ये मुझे सिर्फ 400 रुपए में पड़ी है, कि इसमें स्मेल भी नहीं आता। अदरक लहसुन कुछ भी डाल के कर दो, बाद में स्मेल नहीं रह जाती बिल्कुल। अब बस कीमे को सब्जियों के साथ मिला देना है। तड़का किया था, इसमें नमक और सोया सॉस भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा, 1-2 चम्मच। तो रात के 1 बज रहे हैं, इवान अभी तक नहीं सोया है, तो मैंने सोचा मैं बाउजा बना के ही सो जाती हूँ। ये तो पता नहीं कब सोएगा, दिन में काफी सो लिया। मैं लैपटॉप देखते देखते, ये मैंने फ्रिज में रखा था जो मिक्सचर, ये काफी सॉलिड हो गया, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है। तो इसको मैं एक एक करके बाउजा में डाल रही हूँ, काफी फूल गया ये आटा। मुझे अच्छे से बनाना आता नहीं है एकदम परफेक्टली, तो बस थोड़ी सी इसमें स्टफिंग डाल दी, ये एक्चुअली काफी ज्यादा हो गई है। इसको ऐसे रोल करते जाओ क्योंकि इतना मोटा हो गया ना, तो इजीली रोल नहीं होता। आप लोगों को टेक्निक चाहिए तो ऑनलाइन कोई वीडियो ढूंढ लो, मुझे तो कैसे तैसे करके बंद करना है बस। और आटा इसका मैंने बनाया था बस मैदा, यीस्ट और पानी से, थोड़ा नमक भी डाला था। इन सबको थोड़ी देर फूलने दूंगी मैं, 20 मिनट। तो गाइस ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है और यहाँ पे मैंने बना रखी है अपनी बाउजा, ये भी मैंने बना के रख दिए थे, काफी सारे हो गए हैं अभी। यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, 1:30 बजने वाले हैं, इसके ऊपर रख दूंगी और लास्ट में आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। गाइस 2 बज गए हैं और ये है मेरे बाउजे, थोड़े फट गए हैं क्योंकि मैंने अच्छे से सील नहीं किया था, बट अच्छे फूले हैं एकदम। मेरी मदर इन लॉ को यही आता है, इनको सील करना अच्छे से आता है, बट उनके भी कभी कभी फट जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आज सब्सक्राइब कर ही दो बिना सोचे समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।